ऐसे कार्य जिनके लिए कोई मूल्य नहीं दिया जाता, उनका आकलन करने का एक तरीका है। ऐसे कार्यों को उन पर खर्च किए गए समय के आधार पर पहचाना जाता है। कुछ महिलाएं घर के काम के साथ साथ आर्थिक कार्य भी करती हैं। उदाहरण के लिए, एक कामकाजी महिला की दिनचर्या को चित्र 15.10 में देखें। इनमें उनकी दैनिक दिनचर्या में आर्थिक कार्य के अलावा सामान्य घर के काम भी शामिल हैं, जिनके बदले में उन्हें कुछ भी मुद्रा प्राप्त नहीं होती है। महिलाएं अन्य घरेलू कार्य भी करती हैं जो इस सूची में शामिल नहीं हैं, जैसे अनाज की सफाई एवं रखरखाव, घर के साज सज्जा, मेहमानों, बुजुर्गों और बीमार सदस्यों की देखभाल, बाजार से सामान लाना, पालतू पशुओं की देखभाल, घर लीपना, बच्चों को पढ़ाना आदि। हर समय के अनुसार लोगों की दिनचर्या को 3 प्रकार की गतिविधियों में बांट सकते हैं। आर्थिक कार्य गतिविधि, पेड वर्क, ऐसे समस्त कार्य जिनके लिए भुगतान किए जाते हैं। गैर भुगतान कार्य गतिविधि, अनपेड वर्क, ऐसे समस्त कार्य जिनके लिए भुगतान नहीं किए जाते हैं। गैर कार्य गतिविधि, नॉन वर्क एक्टिविटी, इसमें व्यक्तिगत काम, टीवी देखना, गपशप करना, आराम करना आदि शामिल होते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा सन 1998-1999 में भारत के 6 राज्यों का सर्वे करके विभिन्न कार्यों को समय के आधार पर समझा गया है। इसे हम ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं पुरुषों के कार्यों पर एक तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं की दिनचर्या 24 घंटे का विश्लेषण। उपर्युक्त तालिका के आधार पर नीचे दिए गए वृत्त आरेख में महिलाओं के कार्यों के प्रतिशत को सही स्थान पर लिखिए। उपर्युक्त वृत्त आरेख से पता चलता है कि महिलाएं गैर भुगतान कार्य अधिक करती हैं जो सकल घरेलू उत्पाद में गिने नहीं जाते। इन कार्यों को समझना और सकल घरेलू उत्पाद में गिनना, इस पर विचार करना जरूरी है। कई देशों में ये प्रयास किए जा रहे हैं। समाज में इन कार्यों के प्रति संवेदनशीलता लाने की ज़रूरत है।